इंसान जब अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फिर फैसले नहीं फासले होते हैं। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शिनाख्त छीन लेती है। इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब अपने आप से लड़ाई हो। कामियां सब में होती हैं मगर नज़र सिर्फ दूसरों में ही आती है। कद्र करनी है तो ज़िंदगी में ही करो। चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम थक चुके हो, दुआ मांगना भी मुश्किल लगे, तो अपने रब के सामने हाथ फैला दिया करो। तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात का सबूत है कि तुम रब कायनात के मोहताज हो, और बेशक मेरा रब खामोशियों को भी सुनता है। अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है, मेरे लिए लुट कर दो, देख रहमत के ख़जाने ना लुटा दूँ तो कहना। आप कभी भी लोगों की सोच को अपने बारे में तब्दील नहीं कर सकते। लोगों की परवाह किए बगैर अपनी ज़िंदगी उस तरीके से बसर कीजिए जो आपको खुशी दे। कोशिश करो सब टूट जाए पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। इंसान लड़ने के बाद भी आपको मनाने का हुनर रखता हो तो समझ लेना वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मोहब्बत और इबादत बताई नहीं जाती, बस की जाती है। अल्लाह की चार रहमतें जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, बेटी, बारिश, बीमारी और मेहमान, और अल्लाह के चार अजाब जो इंसान खुशी से कबूल करता है, जहेज, सूद, गीबत और झूठ। जो रिश्ता आपको बार बार आंसू देने लगे तो समझ लें उसने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है। ज़िंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक देने के लिए भी आते हैं। दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो, अल्लाह तुम्हें देने में भी देर नहीं करेगा। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हो तो इस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात करता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। सबसे बेहतरीन लुक्मा वो है जो अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। अगर तवक्कल करना सीखना है तो परिंदों से सीखो कि शाम को जब घर वापस जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए दाना नहीं होता। सबसे बड़ा गुनाह वो है जो करने वाले की नज़र में छोटा होता है। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से, दूसरा गुरूर से। किसी को इसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर ना समझना, और वो है अल्लाह की ज़ात, और वो ये आपसे छीन भी सकता है और उसे अता भी कर सकता है। परेशानी हालत से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, नफ़रत उनसे करो जो भुलाना जानते हो, गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हो। रिश्ते खून के नहीं
बल्कि एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं।